नमस्कार दोस्तों, मैं सागर चैनल में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बिल्कुल ये फ्री है सब्सक्राइब करना। और आइए देखिए, जो है इस वीडियो में भी आपको जो है कुछ अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, इसको ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए, इस वीडियो में आपको ट्रांसलेशन बताने जा रहे हैं। हार्डली या स्कर्सली का प्रयोग कहाँ किया जाता है? देखिए, यहाँ लिखे हैं हार्डली तथा स्कर्सली का अर्थ निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। इनका अर्थ होता है कठिनाई से या मुश्किल से। हार्डली या स्कर्सली के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करते हैं और उसके बाद दूसरा वाक्य वेन से शुरू किया जाता है। जैसे देखिए, यहाँ लिखे हैं हम कठिनाई से अस्पताल पहुँचे ही थे कि वर्षा होने लगी। अब इसमें देखिए, कठिनाई से दिया है तो यहाँ देखिए कर्ता के बाद हम क्या लगाए हैं, हैड, और हैड के बाद देखिए हार्डली लिखे हैं, फिर हैड लगाए हैं तो वर्ब किस में जाएगा, थर्ड फॉर्म में। फिर कहाँ, अस्पताल, द हॉस्पिटल। अब ये सेंटेंस हम शुरू किए हैं तो उसके पहले क्या लगाए हैं, व्हेन, इट बिगेन टू रेन। फिर यहाँ लिखे हैं वह मुश्किल से बुखार से ठीक हुई थी कि उसे खांसी हो गई। अब यहाँ भी देखिए, कर्ता इसमें वह है इसलिए हम सी लिखे हैं, और उसके बाद हैड, यहाँ देखिए हैड हेल्पिंग वर्ब। और फिर इसमें जो है हार्डली भी लिख सकते हैं, स्कर्सली भी लिख सकते हैं, लिखा गया है। फिर रिकवर्ड थर्ड फॉर्म में लिखा गया है, किससे, बुखार से, फ्रॉम फीवर। अब इस सेंटेंस को हम जब शुरू किए हैं तो उसके पहले वेन लगा दिए हैं, यानी वेन सी कॉट कप। फिर देखिए, एज सुन एज का प्रयोग, यदि हिंदी वाक्यों में सब्जेक्ट के पहले जैसे ही शब्द दिया हो तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय सर्वप्रथम एज सुन एज का प्रयोग कर तथा दूसरे वाले वाक्य के पूर्व कामा का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे ही वह स्टेशन पहुँचा रेलगाड़ी आ गई। अब देखिए, सब्जेक्ट आपका वह है और इसके पहले जैसे ही दिया है तो हम क्या लिखे हैं, एज सुन एज। अब ये पास्ट इंडिफिनिट है तो इसमें कर्ता लिखे हैं ही रीच्ड द स्टेशन। अब ये सेंटेंस है, देखिए यहाँ कामा लगा दिए हैं, द ट्रेन एराइव, जैसे ही चोर ने सिपाही को देखा वैसे ही वह भाग गया। अब देखिए, इसमें कामा नहीं दिया तो चोर इसमें सब्जेक्ट है, इसके पहले जैसे ही है सुनेज लग गया। अब इसमें कर्ता क्या है, चोर, द थीप लिखे हैं, और ये पास्ट इंडिफिनिट है, वर्ब का सेकंड फॉर्म सा, किसको, द पुलिसमैन। अब यहाँ पर वैसे ही के लिए कामा यूज किया गया। अब इसका भी अनुवाद हम पास्ट इंडिफिनिट में कर दिए, ही रहन अवे। अगला सेंटेंस है, जैसे ही वह यहाँ पहुँचा वह बाज़ार चली गई। अब देखिए, ये सब्जेक्ट है, इसके पहले जैसे ही दिया है तो इसका अनुवाद करेंगे तो पहले ही लिखेंगे एज सुन एज, ही रीच्ड हियर, और यहाँ ये पास्ट इंडिफिनिट है, सी वेंट टू मार्केट, देखिए कामा लगा है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद आपका।